पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ट्वेल्थ के फिजिक्स में हम लोग शुरू यहाँ करें कैपेसिटर, एक चैप्टर कैपेसिटर है उसको हम लोग यहाँ पर देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। और ये कैपेसिटर का पार्ट वन होने वाला है। आप इसको आराम से पहले पेन पेपर लेके बैठ जाइए, है ना, कॉपी और पेन आप लेके बैठ जाइए। इस टोटल कम्प्लीट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आज नहीं, दो तीन या चार पार्ट में इसको कम्प्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट वन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। जो भी स्टूडेंट है ना 2022 में जो आपको एग्जाम देने वाले हैं उस सबको कहिए इसको पढ़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट वन में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि कैपेसिटर होता क्या है या कैपेसिटर करता क्या है, है ना, कैपेसिटर किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये पूरी डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। या ऊर्जा संचित करता है या नहीं करता है, अगर ऊर्जा संचित करता है तो कितना ऊर्जा संचित करेगा, है ना, के प्रकार के कैपेसिटर होता है, इस तरह के सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए, समझिए पहले कि कैपेसिटर होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना कि कैपेसिटर एक उपकरण है। ये समझ लीजिए आप, कैपेसिटर एक मशीन होता है, एक उपकरण होता है, ना, और इसमें मिनिमम ये आप समझिए कि इसमें दो प्लेट होनी चाहिए, है ना, इसमें दो प्लेट होनी चाहिए। इस तरह से एक प्लेट यहाँ है, दूसरा प्लेट यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसमें दो प्लेटें होनी चाहिए, दो प्लेट रहेगा। धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, पहले आप इसको आराम से समझते रहिए। यहाँ पर दो प्लेट रहेगा, एक प्लेट यहाँ पर मान लेते हैं, दूसरा प्लेट यहाँ पर आपको दिया गया है, दो प्लेट। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों करते हैं सर? तो इसका प्रयोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, मतलब ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से। आप ये समझिए जैसे बैटरी है, तो बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं, बैटरी जो है बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं, देखते हैं। जब तक आपका घर में लाइन दिया गया है, करेंट आ रहा है, तब तक क्या होता है कि आपका बल्ब जो भी है वो बल्ब आपका जल रहा है, किससे, करंट से चल रहा है। लेकिन जब लाइन कट जाता है, ये कहते हैं कि बिजली अगर चली गई है तो फिर क्या होता है, अब बैटरी का, अगर बैटरी रखते हैं, बैटरी आप रखे हुए हैं, तो इसके सहायता से आप बल्ब जला सकते हैं। मतलब ये बैटरिया करेगा वो चीज, ये ऊर्जा को इसमें अपने आप में संचित कर लेता है, जो भी करंट आ रहा है उसको इसमें संचित कर लिया है। और जब लाइन मतलब चला गया, करंट खत्म हो गया है, इसके बाद इसमें संचित ऊर्जा का ही प्रयोग कर देता है ना। इसमें जो जितना ऊर्जा संचित हुआ है, इसी संचित ऊर्जा से ही हम लोग को करंट देता है। इसका बल्ब, पंखा, टीवी जो भी आप चलाना चाहते हैं चलाइए, ठीक है। मतलब बैटरी क्या कर रहा है, ऊर्जा संचित कर रहा है, और ऊर्जा संचित करने के बाद इसको ट्रांसफर कर दे रहा है फिर से आपको, है ना, इसके सहायता से आप बल्ब, टीवी या जो भी आप चलाना चाहते हैं आप उसको चलाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जो बैटरी होता है ऊर्जा को संचित करके आपको देता है, संचित करता है। उसी तरह से कैपेसिटर क्या है सर, कैपेसिटर भी एक उपकरण होता है जो ऊर्जा संचित करता है। क्या ध्यान रखना, ऊर्जा संचित करता है। और इसमें कितना प्लेट होगा, दो प्लेट होगा, दो प्लेट। तो ये बताइए, पूछा जाए आपसे कि कैपेसिटर क्या है, तो इसमें ये कह देना है कि सबसे पहले धातु के जब दो प्लेटों को ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से आपस में सजा दिया जाए तो उसी का नाम देते हैं कैपेसिटर। बताइए इसमें धातु का कितना प्लेट होगा सर, दो प्लेट। ध्यान रहेगा, धातु का दो प्लेट। ये कोई जरूरी नहीं है कि, है ना, कैपेसिटर में धातु का ही प्लेट होना चाहिए। कैपेसिटर है सर, उसमें आप प्लेट, है ना, पेपर का प्लेट रख लीजिए, चाहे लकड़ी का प्लेट रख लीजिए, है ना, शीशा का प्लेट रख लीजिए, मतलब कई तरह के कैपेसिटर होता है। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं उसमें धातु का दो प्लेट रहेगा, ठीक है, धातु का दो प्लेट रहेगा। और इस दोनों प्लेट को आपस में सजा लेंगे, आपस में अरेंज कर लेना, इस तरह से आपस में अरेंज कर लीजिए, एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, दोनों को आपस में अरेंज कर लेंगे। क्यों अरेंज करेंगे, तो ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से। हम लोग का उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा को संचित करके उसमें रखना, ठीक है, ऊर्जा संचित होगा। इसका और मतलब बहुत सारा इसका कार्य है कैपेसिटर का, आगे हम लोग कार्य देखने वाले हैं। केवल ये नहीं कि कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग ऊर्जा संचित करने के लिए ही केवल करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर यह समझनी है कि कैपेसिटर का प्रयोग यहाँ जो हम लोग करने वाले अभी, है ना, प्रेजेंट टाइम के लिए, ये कह देंगे कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ऊर्जा को संचित करने के लिए। धातु का कितना प्लेट रहेगा सर, मेटल का दो प्लेट रहेगा। तो यहाँ पर ये कह देंगे कि यदि ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से धातु के दो प्लेटों को आपस में सजा दिया जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ध्यान रहेगा, यदि धातु के दो प्लेटों को हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से सजाते हैं, धातु का दो प्लेट है और दोनों प्लेट को ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से आपको सजाना है। अब आपस में सजाइए, तो यही जो सजा हुआ पार्ट आपको ये जो बनता है इसी का नाम देते हैं संधारित्र, ये आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो ये बताइए, कैपेसिटर का परिभाषा क्लियर हो गया है,
क्या कह देंगे, यहां पर आप लिखिए ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, है ना। किस लिए ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, जब धातु के प्लेट रहेगा सर, दो प्लेटों को, धातु में कितना प्लेट रहेगा, तो धातु के दो प्लेटों को, मेटल के दो प्लेटों को आपस में सजा दिया जाए, तो इसका नाम देते हैं संधारित्र, जो सजकर बन जाएगा उसका नाम देते हैं संधारित्र। यहां तक ये बात समझ में आया, जैसे आप ये समझिए अगर आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, छोटा छोटा ईंट को आपस में सजा लेते हैं, इस तरह से आपस में सजाइए, ईंट और है ना बालू है, गिट्टी है, सीमेंट का सहायता से आपस में सजा लीजिए, सजाने के बाद जो बनता है पूरा सिस्टम को मकान बोल देते हैं। मकान आपका बन गया यार, अगर सजा लिए तो दीवार बन जाता है, है ना, धीरे धीरे करके दीवार आपस में मिलकर मकान का एक है ना रूप ले लेगा। तो उसी तरह से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाएंगे, सजाने के बाद जो बनेगा उसको मकान यहां नहीं बोल के इसका नाम दिया जाता है कैपेसिटर, इसका नाम देते हैं संधारित्र, याद रहेगा। चलिए, तक संधारित्र का परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जब इसको सजा लिया जाए तो इसे संधारित्र कहते हैं, बना हुआ संरचना आपका संधारित्र हो जाता है। अब यहां पर आइए, कहिए कि सर ये तो संधारित्र हो गया, संधारित्र होता के प्रकार के है, आपको यहां समझना है कि संधारित्र कितने प्रकार का होता है। तो संधारित्र इन जनरल जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है सर, उसमें संधारित्र हम लोग को पढ़ना है तीन प्रकार के। संधारित्र कितने प्रकार का है सर, तो संधारित्र जो हम लोग को यहाँ पर है वो टोटल तीन प्रकार के संधारित्र हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। चलिए, इसमें सबसे पहला संधारित्र क्या होता है, आराम से इसको समझते जाइए, फिर बाद में इसको लिखवाते हैं, पहले इसको समझते जाइए, परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा ना। ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाया जाए तो इसे संधारित्र कहते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, संधारित्र कितने प्रकार का है सर, तो है संधारित्र यहाँ पर टोटल तीन प्रकार के रहेगा। संधारित्र कितने प्रकार का, तीन। सबसे पहला होगा समांतर प्लेट संधारित्र, है ना, प्लेट संधारित्र, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा आपका है गोलाकार, है ना, गोलाकार प्लेट संधारित्र इसको बोलेंगे, ठीक है, गोलाकार प्लेट संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर इसको कहते हैं, एक होता है बेलनाकार, बेलनाकार प्लेट संधारित्र। यहां पर आपको तीन तरह के है संधारित्र, कितने प्रकार के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड ऑल कैपेसिटर इनटू टू सॉरी थ्री पार्ट्स। सबसे पहला समांतर प्लेट संधारित्र है, दूसरा गोलाकार प्लेट संधारित्र है, और तीसरा जो आपका रहेगा सर बेलनाकार प्लेट संधारित्र रहेगा। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहला कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा आपको बता रहे गोलाकार प्लेट संधारित्र, और तीसरा में आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर बेलनाकार प्लेट संधारित्र बेलनाकार प्लेट संधारित्र रहेगा, ठीक है। चलिए, अब कहीं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, चलिए समांतर प्लेट संधारित्र को समझने से पहले के बाद यहाँ समझिए, ये बताइए संधारित्र में कितना प्लेट होता है सर। आपको कहेंगे सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि संधारित्र में दो प्लेट होता है, नहीं, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजा दिया जाए तो इसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र में कितना प्लेट है, दो प्लेट, यदि दोनों प्लेट आपस में समांतर हो तो इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। अच्छा, दोनों प्लेट को आपस में समांतर होने का मतलब क्या है, इसे मान लीजिए एक प्लेट यहां पर है और दूसरा प्लेट यहां पर है और दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इसको बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, है ना, एक प्लेट ऐसे और दूसरा प्लेट इस तरह से है तो इसको हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। एक प्लेट यहां पर आप ऐसे रख दीजिए, दूसरा प्लेट यहां रख दीजिए, दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसका नाम हम लोग दे देंगे समांतर प्लेट संधारित्र, याद रहेगा। चलिए, दूसरा गोलाकार में क्या होता है सर, अगर दो प्लेट है तो दोनों आपस में गोलाकार, पहला प्लेट भाई वाला को दिया गोलाकार और दूसरा प्लेट इसी तरह से आपको यहां दे दिया, देख लीजिए ये आपका गोलाकार प्लेट संधारित्र हो जाएगा। बेलनाकार में क्या होगा, तो दोनों प्लेट, ये देखिए पहला प्लेट यहां पर बेलन जैसा बना है, फर्स्ट वाला प्लेट यहां इस तरह से बेलन जैसा, देख लीजिए एक प्लेट हो गया, एक और प्लेट आप बनाइए जो बेलन जैसा रहेगा, ऐसे देख लीजिए है, यहाँ पर सेकंड वाला प्लेट है जो आपको लग रहा है यहाँ पर बेलन के जैसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए पहला प्लेट है और दूसरा प्लेट है, तो दोनों प्लेट अगर एक दूसरे के बेलनाकार होते इसको हम लोग बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तीन प्रकार के संधारित्र रहेगा, तीन प्रकार के देख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा में गोलाकार प्लेट संधारित्र और तीसरा में क्या है सर, तो तीसरा में बेलनाकार प्लेट संधारित्र है। अब यहां पर परिभाषा आप कैसे लिखिएगा, तो जो परिभाषा आपको इसमें लिखनी है उस परिभाषा में आप इस प्रकार से लिखिए, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र किसको कहेंगे, तो ये कह देंगे कि वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र,
है ना, वैसा संधारित्र है ना, इसमें क्या लिख देंगे कि वो वैसा संधारित्र, संधारित्र है ना, वो वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, दोनों अगर आपस में समांतर रहेगा तो उसको समांतर प्लेट संधारित्र कह देंगे। इसमें बोल देना कि वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट आपस में गोलाकार हो तो उसे गोलाकार प्लेट संधारित्र कहेंगे, और वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट बेलनाकार हो, देखिए यहाँ पर पहला प्लेट ये है बेलन जैसा बना है और इसमें दूसरा प्लेट ये है जिसको बेलन जैसा बना है, तो दोनों प्लेट आपस में बेलनाकार हो तो इसे बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहेंगे। यहां तक मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये था संधारित्र से क्या समझते हैं और कितने प्रकार का होता है, आगे क्वेश्चन लिखवाते हैं। इससे पहले आप इसका आंसर देख लीजिए, बताइए संधारित्र किसको कहते हैं, तो नॉर्मल तरीका सा बोलिए, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, है ना, क्या ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, थोड़ा सा रिपीट करते रहिएगा, बोलते रहिएगा तो आपको ठीक ठाक रहेगा। ऊर्जा है ना, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाया जाए तो इसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र निम्नलिखित तीन प्रकार के होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार प्लेट संधारित्र, बेलनाकार प्लेट संधारित्र, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र किसको कहेंगे, तो ये कह दें कि यदि या ऐसा यहां पर देख लीजिए, यहां पर लैंग्वेज जनरल से लैंग्वेज लीजिए, उसको ध्यान रखिए, वो वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट आपस में गोलाकार हो उसको गोलाकार गोलाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं, और वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट बेलनाकार हो उसको हम बोलेंगे बेलनाकार प्लेट संधारित्र। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए थोड़ा सा फिगर बनाते समय एक बात आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा क्यों करते हैं, आगे आप है ना आगे के लिए जो आगे पढ़ा रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब संधारित्र हम लोग बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखना है, कोई एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देना है ना, तो दूसरा वाला पर आपको निगेटिव माइनस में चार्ज देना पड़ेगा। अगर एक पे प्लस दी है तो दूसरा पर माइनस, इसे अगर आपको इच्छा की अंदर वाला पे प्लस यहां देते हैं, लीजिए एक प्लेट पे प्लस दिए हैं तो बाहर वाला प्लेट पर आपको माइनस चार्ज देना पड़ेगा, जितना प्लस उतना ही माइनस, अब काहे होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर आप बाहर वाला पे प्लस देते हैं तो बाहर वाला पे प्लस दे दीजिए, यहां बाहर वाला पे प्लस दिए हैं तो अंदर वाला पर जितना बाहर वाला पे प्लस दिए उतना ही अंदर वाला पे आपको माइनस देना पड़ेगा, ये दर्शाते समय इस तरह से लिखा जाता है, ये बात क्लियर है। चलिए तो अब इसको अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी से पेन पेपर उठाइए और लिखिए एक क्वेश्चन, संधारित्र से क्या समझते हैं, संधारित्र से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। चलिए लिखते जाइए, संधारित्र से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, संधारित्र से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, तथा यह कितने प्रकार का होता है। चलिए अगर हो जाए तो इसका आंसर लिखना है, नीचे लिखिए आंसर और आंसर लिखिए इसमें पूरा कीजिए, लिखिए आंसर में उत्तर जो इसका लिखना है, लिखिए ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को, जब धातु के दो प्लेटों को, प्लेटों को आपस में सजाया जाए तो इसे संधारित्र कहते हैं, तो इसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाया जाए तो इसे संधारित्र कहते हैं। चलिए हो जाता पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए संधारित्र निम्नलिखित तीन प्रकार के होता है, संधारित्र निम्नलिखित तीन प्रकार के होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र निम्नलिखित तीन प्रकार के होता है, संधारित्र निम्नलिखित तीन प्रकार के होता है, हो गया। चलिए पहला फर्स्ट में लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब क्या कीजिए, इसको समांतर प्लेट संधारित्र लिख के डस दीजिए, भैया लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र लिखिए, लिख के इसमें डस दीजिए, लिखिए वैसा संधारित्र समांतर प्लेट में, वैसा संधारित्र
वैसा संधारित्र, वैसा संधारित्र जिसमें, वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट समान, जिसमें दोनों प्लेट, जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जिसमें दोनों प्लेट आपस में समांतर हो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से फोटो बना लेना है समांतर प्लेट संधारित्र का। किस प्रकार से बनाइएगा इसका फोटो, यहां देखिए एक बना रहे हैं चित्र, फिगर यहां पर है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र आपको चाहिए तो दोनों प्लेट आपस में समांतर, एक प्लेट ए है, चलिए यहां पर लिख रहे हैं दूसरा प्लेट ए वाला आपका हो गया है और दोनों आपस में समांतर है। एक पर पॉजिटिव जितना प्लस, दो चार एक पांच प्लस दिए हैं तो यहां पांच माइनस, एक दो तीन चार पांच माइनस कर दिए हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करना है कि यहां प्लस में क्यू चार्ज है यहां माइनस में क्यू चार्ज है। और दोनों के बीच का सेपरेशन दिखा दीजिए कि दोनों प्लेट के बीच का दूरी डी है, इस तरह से। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। यहाँ डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, एक चार्ज है प्लस में दूसरा माइनस में चार्ज है, मतलब दोनों प्लेट पे समान चार्ज रहेगा उसका नेचर अलग अलग हो जाएगा। इसके बारे में आगे देखेंगे कैसा काहे होता है, अभी केवल दर्शाना है तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया है। और एक और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लेट जो रहता है ऐसे रहता है सर, प्लेट इस तरह से रहेगा ना, तो प्लेट ऐसे इसका क्षेत्रफल कुछ होता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर ए है तो इसका भी क्षेत्रफल ए, आप ऐसे दर्शा दीजिए। ये पूछा जाए ए क्या है तो इस प्लेट का क्षेत्रफल है, ए क्या है तो यहाँ पर इस वाला प्लेट का क्षेत्र, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान रहता है, एरिया है क्षेत्रफल है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आगे से हम लोग देखेंगे आगे मतलब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये आगे हम लोग देखें, अभी केवल परिभाषा लिख रहे हैं। चलिए सेकंड लिख लीजिए, गोलाकार प्लेट संधारित्र लिख के रख दीजिए, गोलाकार प्लेट संधारित्र लिखिए और लिख के रख दीजिए। सेकंड गोलाकार प्लेट संधारित्र, चलिए सेम लैंग्वेज बनाइए, लिखिए वैसा संधारित्र जिसमें, वो वैसा संधारित्र जिसमें, जिसमें वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट आपस में गोला, जिसमें दोनों प्लेट, जिसमें दोनों प्लेट वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट गोलाकार हो, जिसमें दोनों प्लेट गोलाकार हो उसे गोलाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं, उसे गोलाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं, उसे गोलाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है, उसे गोलाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। और इसका एक फोटो बना लीजिए, कैसे बनाना है तो गोलाकार प्लेट संधारित्र का पिक्चर यहां देख लीजिए, यहां पर है एक, यहां पर गोल हो गया है और दूसरा बाहर से इस तरह से। चलिए एक पर इस पे मान लेते हैं अंदर वाला पे माइनस में कुछ चार्ज है, माइनस में है तो उतना ही बाहर में क्या रहेगा सर, तो उतना ही बाहर में प्लस में चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो यहां पर लिख देना बाहर वाला पे प्लस क्यू और अंदर वाला पे लिख देना है क्या, माइनस क्यू चार्ज है, इस पे लिख देना है माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया आपका। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये आपका गोलाकार प्लेट संधारित्र हो गया है, एक पे प्लस में चार्ज रहेगा दूसरा पर माइनस में चार्ज रहेगा। चलिए कंप्लीट हो गया, अगर ये हो जाए तो तीसरा लिखिए बेलनाकार प्लेट संधारित्र लेकर रख दीजिए, थर्ड में लिखिए बेलनाकार प्लेट संधारित्र, बेलनाकार प्लेट संधारित्र, बेलनाकार प्लेट संधारित्र, चलिए लिखिए बेलनाकार प्लेट संधारित्र लेकर रख दीजिए। लिखिए वैसा संधारित्र जिसमें, वैसा संधारित्र जिसमें, जिसमें दोनों प्लेट बेलनाकार हो, जिसमें दोनों प्लेट बेलनाकार हो, जिसमें दोनों प्लेट बेलनाकार हो उसे बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं, उसे बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं,
उसे बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, वैसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट बेलनाकार हो उसे बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। और जब बेलनाकार प्लेट संधारित्र हो जाए तो इसका एक फोटो बना लेना है आपको। इस तरह से एक चित्र बनाइए, ध्यान दीजिए बेलनाकार कैसे लिखने हैं। चलिए देखिए क्या है बेलनाकार प्लेट संधारित्र। एक नॉर्मल सा बेलन बना देना है यहां पर, ये हो गया। अब इसके बाहर से एक और बेलन चाहिए आपको, ये है आपका बेलनाकार प्लेट संधारित्र। ठीक है, चलिए एक अगर मान लेते हैं कि बाहर वाला पे कुछ प्लस में चाह दिए हैं, इस तरह से बाहर वाला पर यहां पर आपको चार्ज दिया गया है प्लस में, तो अंदर वाला पे उतना ही आपको माइनस में चार्ज देना पड़ेगा, माइनस में यहां चार्ज है। तो बाहर वाला पे प्लस क्यू है ना, तो अंदर वाला जो प्लेट है इस पे यहां पर रहेगा माइनस क्यू चार्ज। ये आपका बेलनाकार प्लेट संधारित्र हो गया है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बेलनाकार प्लेट संधारित्र को, बेलनाकार प्लेट संधारित्र है, इसको नोट कीजिए। बेलनाकार प्लेट संधारित्र, और इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया आपको, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहे हैं, आराम जल्दी से इसको देख लीजिए। क्या है संधारित्र, किसको कहेंगे? तो ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में अरेंज करेंगे, सजा देंगे, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाया जाए तो इसको संधारित्र कहते हैं। संधारित्र तीन प्रकार के होगा, समांतर प्लेट संधारित्र है, गोलाकार प्लेट संधारित्र है, एक बेलनाकार होता है। समांतर प्लेट में क्या है, तब ऐसा संधारित्र जिसमें दोनों प्लेट समांतर हो उसको समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। गोलाकार में क्या रहेगा, तो दोनों प्लेट आपस में गोलाकार होना चाहिए, और यदि दोनों प्लेट आपस में बेलनाकार हो गए तो उसको बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहेंगे। यहां तक ठीक है। चलिए संधारित्र देखिए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपको आइडिया लगते जाएगा कि संधारित्र होता क्या है। उससे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बनाइए। हम लोग को सिलेबस में एक बार ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक हम लोग को सिलेबस में ये पढ़ना, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ना। धीरे धीरे इसके ओर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में क्वेश्चन लिख लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र, क्वेश्चन लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट लिखें। समांतर प्लेट संधारित्र के, समांतर प्लेट संधारित्र का बनावट किस प्रकार होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट आपको लिखना है। चलिए हो गया हुआ क्वेश्चन, अब आइए समांतर प्लेट संधारित्र का बनावट किस प्रकार से है जो हम लोग को यहां पर देखना है। तो देखिए पहले तो आपको यह समझना है कि समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है सर, उसमें दो प्लेट रहेगा, है ना, उसमें दो प्लेट होना चाहिए। सबसे पहले तो दो, चूंकि संधारित्र में कितना प्लेट होता है, दो प्लेट रहेगा, तो इसमें पहले तो आपको दो प्लेट, एक प्लेट यहां है दूसरा प्लेट यहां, दो प्लेट हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेट जो होता है सर, ये दोनों प्लेट को आपस में समांतर तरीका से सजा दीजिए। ये नहीं कि एक प्लेट ऐसे लिए है दूसरा ऐसे सजा, फिर समांतर ही नहीं हो पाएगा। दो प्लेट है, दोनों को इरेगुलर नहीं, रेगुलरली इसको समांतर तौर पर सजा दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसका क्षेत्रफल ये है तो इसका क्षेत्रफल, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का बराबर हो, लेकिन इन जनरल सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों प्लेट के क्षेत्रफल बराबर लेते हैं, दोनों समान प्लेट लेते हैं। ध्यान रहेगा दोनों प्लेट का क्षेत्रफल रहता है, और दोनों को एक नियत दूरी दे दीजिए यहां पर, है ना, इस प्रकार से दोनों को एक नियत दूरी पर फिक्स कर दिए ताकि इसके बीच की दूरी को हम लोग चेंज ना कर सके। तो दोनों प्लेटों के बीच का एक दूरी दे दीजिए, और ये दूरी आपका हो जाएगा नियत। तो यहां पर कौन कौन नियत हुआ सर, तो एक क्षेत्रफल नियत रहेगा, दूसरा दूरी यहां पर नियत रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होता है, हाँ बाद में जब इसमें ऊर्जा संचित करना था इसको बैटरी से जोड़ेंगे, वो अलग वाली चीज है, लेकिन जब समांतर प्लेट संधारित्र जब मार्केट से खरीद के लाइएगा तो बस इतना ही आपका रहेगा, और कुछ है इसमें नहीं, याद रहेगा। ठीक बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र का बनावट में क्या कह देंगे, तो ये कह देंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट में दो प्लेटों को आपस में समांतर रूप से सजाया जाता है।
ठीक है। पहला क्या हो जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटों को आपस में समांतर रूप से सजाया जाता है, दो प्लेटों को आपस में समांतर रूप से सजाया जाता है और एक कह देना है इसमें दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एवं इसके बीच की दूरी नियत होती है, है ना। क्या रहेगा जो दोनों प्लेट है सर, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल और क्या बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी ये आपका नियत रहेगा। दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल आपका नियत हो जाएगा और बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच का जो दूरी है ये भी आपका नियत ही रहेगा। याद हुआ है, बताइए पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र का बनावट लिखें। ये कह देना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट में दो प्लेटों को आपस में समांतर रूप से सजाया जाता है, ठीक है, दो प्लेटों को आपस में समांतर रूप से सजाया जाता है और एक फिर कह देना है कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल नियत होता है, क्षेत्रफल नियत रहेगा एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी नियत होती है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल नियत, दोनों प्लेट के बीच की दूरी नियत और दोनों की समांतर है तो दोनों को समांतर तरीका से सजा लेंगे। तो चलिए इसका नॉर्मल सा एक आंसर है, लिख लीजिए छोटा सा, लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट में, समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट में दो प्लेटों को समांतर रूप से सजाया जाता है, एवं दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तथा इसके बीच की दूरी, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तथा इसके बीच की दूरी नियत होती है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तथा इसके बीच की दूरी नियत होती है, नियत होती है। चलिए आई थिंक इसका आंसर आपको हो गया है। अगर इसका आंसर हो जाए तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देगा कि वास्तव में संधारित्र होता क्या है। तो कुछ नोट पॉइंट है उसको हम लोग समझना है। अच्छा पहले इसका फिगर देखिए, इसका फिगर आप नहीं बनाए होंगे, इसके है ना, इसका आंसर क्या लिखे थे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बनावट में हम लोग क्या किए हैं, तो दो प्लेटों का आपस में समांतर तरीका से सजा दिए हैं और क्या इसके इस है ना, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एवं इसके बीच की दूरी जो है वो नियत होता है, है ना, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल और इसके बीच की दूरी नियत होता है। तो क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, नीचे बनावट में इसका फिगर बना लेना है। चलिए एक यहां प्लेट है, दूसरा प्लेट यहां है और दोनों आपस में समांतर रहेगा, दोनों के बीच की दूरी नियत हो गया है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, ठीक है। चलिए फिगर बनाइए और नीचे लिख दीजिए, यहां लिख देना है ए बराबर और डी बराबर, दोनों का नाम लिखना है कि यहां पर ये क्या है, डी क्या है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए और नीचे लिखिए ए बराबर, नोट कीजिए और लिखिए ए प्लेटों का क्षेत्रफल, एक नाम लिख लीजिए प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया। डी बराबर लिखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स, यहां लिखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जो दो प्लेट दिया गया उसके बीच की दूरी है, डी बराबर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अगर हो जाए तो आप ये कह रहे थे कि अब कुछ नोट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है और इस नोट पॉइंट से एक बार थोड़ा सा आपको कुछ अधिक आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में संधारित्र होता क्या है, थोड़ा सा और अधिक आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये बताइए सर संधारित्र का प्रयोग कहला करते हैं, क्यों करते हैं संधारित्र का प्रयोग। तो एक ऐसा संधारित्र का प्रयोग हम लोग करते हैं ऊर्जा संचित करने के लिए, क्योंकि लिखा गया था कि ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में सजाते हैं, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एनर्जी, ये बताइए, या एनर्जी स्टोरेज, तो ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, तो ये बताइए इसका उपयोग, तो सबसे पहला उपयोग में क्या करते हैं, पूछा जाए कि संधारित्र का प्रयोग क्यों करते हैं, संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लिख देंगे ऊर्जा संचित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ऊर्जा संचित करने के लिए, याद रहेगा
अच्छा दूसरा पॉइंट बताइए कि संधारित्र में कितना प्लेट होता है। तो आप ये सर संधारित्र में दो प्लेट होता है ना, ये लिखवाए थे कि ऊर्जा संचित के करने के उद्देश्य से धातु के दो प्लेटों को, धातु के दो प्लेट के प्लेट होता है। तो संधारित्र में कितना प्लेट होगा, तो नंबर ऑफ प्लेट जो होता है संधारित्र में, इसमें दो गो प्लेट रहेगा सर, है ना। नॉर्मली इसमें दो प्लेट होता है, जो आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कितना प्लेट होता है, दो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है सर, संधारित्र में केवल एक ही प्लेट देता है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि तीसरा पॉइंट में यदि किसी संधारित्र में केवल एक ही प्लेट दिया गया है, एक ही प्लेट है, तो आपको यह समझना है कि उसका जो दूसरा प्लेट रहेगा सर, दूसरा प्लेट वो हो जाएगा आपको अनंत पर इनफाइनाइट पर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहां पर अगर ये इस तरह से संधारित्र धातु है, आयरन ले लिए हैं, कॉपर ले लिए हैं, मान लीजिए इसका कॉपर का एक हम लोग संधारित्र मैंने बनाए हैं, और जिसमें केवल एक ही प्लेट है, तो आपको पता है कि संधारित्र में प्लेटों की संख्या दो होता है। लेकिन यदि कभी आपको एक ही प्लेट दिया जाए, तो आप समझ जाना कि इसका दूसरा प्लेट कहाँ है, अनंत पर है। अब कैसे ये अनंत का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अनंत मतलब बहुत दूर रहा होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जैसे आप मालिक अपने घर में है, यहाँ पर एक कॉपर का प्लेट आप ले लिए हैं, और आपके घर में केवल एक ही वो कॉपर है, केवल यही कॉपर है, इसके अलावा कोई कॉपर नहीं है, तो आपके बगल के जो पड़ोसी है ना, उनके यहाँ यदि कोई कॉपर का प्लेट इसको नजर आ गया ना बगल में, तो उसका दूसरा प्लेट आपके बगल में जो पड़ोसी वाला व्यक्ति है, उनके यहाँ का एक कॉपर के प्लेट आपको जो है ये संधारित्र का दूसरा प्लेट बन जाएगा। मान लीजिए उनके यहाँ भी नहीं, तो अगला वाला घर में देखिएगा, अगला वाला में जहां भी आसपास के एरिया में, अगर आसपास के एरिया में नहीं मिला था, बड़ी दूर पर कहीं ना कहीं इसको कॉपर का कोई ना कोई वस्तु मिल जाएगा, जिसको बना लेता है कौन सा, सेकंड प्लेट उसको मान लेते हैं, ध्यान रहेगा। बताइए पूछा जाए कि संधारित्र में कितना प्लेट होता है सर, तो एक आ जाएंगे संधारित्र में दो प्लेट होता है, पहले ध्यान रखिएगा संधारित्र में दो प्लेट होता है, लेकिन यदि किसी संधारित्र में केवल एक ही प्लेट है, तो दूसरा प्लेट हम लोग कहां मान लेंगे, इनफाइनाइट पर, अनंत पर मान लेते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है, ये बताइए संधारित्र में कितना प्लेट होता है, दो प्लेट। यदि किसी संधारित्र में केवल एक प्लेट है, केवल एक प्लेट दिया गया है, तो दूसरा प्लेट को हम लोग कहां मानते हैं, अनंत पर मानते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, तो तीन पॉइंट टोटल आपको यहां पर लिखवा दिए हैं, तीन पॉइंट आपका हो गया है या समझा दिए हैं तीन पॉइंट। पहला पॉइंट बताइए संधारित्र का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सर ऊर्जा संचित करने के लिए। दूसरा संधारित्र में कितना प्लेट होता है, दो प्लेट। यदि किसी संधारित्र में केवल एक ही प्लेट है, तो दूसरा प्लेट कहां रहेगा, अनंत पर। चौथा पॉइंट में यहां जरा समझिए, संधारित्र को आवेशित करने के लिए क्या करते हैं, बैटरिया को कैसे चार्ज करते हैं, तो उसी तरह से इसमें देखिए, जब संधारित्र आप मार्केट से तो लेकर आए, लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लिया है, ठीक है। अब यहां पर जब कैपेसिटर लाए हैं, तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगा, आपको ऊर्जा संचित करने के लिए इसको सेल से जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पहले कोई ऊर्जा, ये तो ऊर्जा संचित करते हैं, लेकिन करने के लिए इसको बैटरी से आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें ऊर्जा संचित होगा। जब तक इस पर आवेश नहीं है, तब तक इसमें कोई ऊर्जा नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। आप जैसे जैसे इस पर आवेश देते जाइएगा, इसके बाद इसमें ऊर्जा संचित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें आप आवेश दीजिएगा, ऊर्जा इसमें संचित होने लगेगा। तो ये बताइए, पूछा जाए कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये कह देना है कि यदि कोई संधारित्र हो, उसको आप आवेशित करना चाहते हैं, तो आवेशित करने के लिए इसको बैटरी से हम जोड़ते हैं। किसी से जोड़ेंगे सर, बैटरी सेल से इसको जोड़ते हैं। तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए, संधारित्र को क्या करना है, आवेशित, तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए इसको सेल से, इसको बैटरी से आपको जोड़ना पड़ेगा। बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी सेल से इसको जोड़ देते हैं, ध्यान रहेगा, है ना। अगर इसको आप चार्ज करना चाहते हैं, आवेशित करना चाहते हैं, चार्जिंग करना चाहते हैं, तो इसको बैटरी से आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जैसे देखते हैं यहां पर बैटरी से जोड़ने से क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर एक संधारित्र है, एक प्लेट है, दूसरा प्लेट यहां है, इसको आराम से थोड़ा समझिएगा। संधारित्र का दो प्लेट है, अब यहां पर आइए क्या है, इसको है ना, इसको आवेशित करने के लिए यहां नीचे एक बैटरी ले ली है, देख लीजिए यहां पर इस तरह से एक बैटरी से इसको जोड़ दिए हैं, संधारित्र को यहां बैटरी नीचे लिए है, दिख रहा है नीचे, तो नहीं दिख रहा है, लॉक करते हैं, एक यहां संधारित्र है, एक यहां लिए हैं। आप इसको बताइए आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ दिए, लीजिए अब ये ठीक है, आवेशित करने के इसको बैटरी से जोड़े हैं, ठीक है। अच्छा कौन सा संधारित्र लिए हैं सर, दो प्लेट है, और दोनों का दोनों प्लेट आपका समांतर है,
इसलिए इसको बोलेंगे कौन चीज, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। ये बोले हैं कि यदि कोई संधारित्र है, इसको यदि आप आवेशित करना चाहते हैं तो बैटरी से जोड़ दीजिए। चलिए आपका संधारित्र है, बैटरी यहां पर है, ठीक है। तो ये बैटरी का एक बड़ा वाला पार्ट होता है उसको प्लस बोलते हैं हम, छोटा वाला पार्ट को माइनस बोलते हैं। आपको पता है बैटरी में, आपको 10th क्लास में बताया गया होगा कि अगर ये बड़ा वाला पार्ट, अगर नहीं जानते तब से ध्यान रखिए, क्षेत्र में जो हम लोग बैटरी बनाते हैं तो उसमें एक बड़ा एक छोटा बनाते हैं। तो जब बड़ा बनाइएगा, यहां समझ लीजिए, बड़ा बनाते हैं तो इसको प्लस से लिखते हैं और छोटा वाला जो आपका होता है माइनस रहता है। कि वो लाल होता है वो काला होता है, आपको पता है। तो रेड वाला जो होता है, लाल वाला होता है, उसको प्लस लिखते हैं। ब्लैक जो होता है, काला वाला होता है, उसको माइनस से लिखते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे ही इसको कनेक्ट कीजिएगा तो यहां से कुछ चार्ज निकलेगा। मान लेते हैं कि यहां से एक कूलम चार्ज निकला है, एक कूलम, तो एक कूलम ही प्लस में निकलेगा सर। और यहां से जब एक कूलम प्लस में, तो एकरा से एक कूलम आपको माइनस में निकलेगा। ध्यान रखना है, यहां एक कूलम प्लस में और यहां से माइनस वाला से एक कूलम माइनस में यहां पर निकलेगा। याद रहेगा, यहां पर एक एक से प्लस वाला से प्लस निकलेगा, माइनस वाला से माइनस चार्ज निकलेगा। दोनों से सेम चार्ज निकलेगा, दोनों से अलग अलग चार्ज नहीं निकलेगा। जितना प्लस वाला से उतना ही माइनस वाला से। ये बात क्लियर है? चलिए तो मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लस वन निकला, तो यहां पर कितना निकलेगा सर? माइनस वन। और ये प्लस वन जाके इस पे यहां पर जमा हो जाएगा और ये माइनस वन जाके यहां पर जमा हो जाएगा। क्लियर है? माइनस, फिर यहां से प्लस देगा, फिर यहां से जितना ही प्लस देगा उतना ही माइनस देगा, तो इस पे इस तरह जाके जमा होगा। फिर यहां से एक और प्लस आया तो यहां पर एक और माइनस आएगा, यहां एक और प्लस देगा तो यहां एक और माइनस आएगा, यहां एक और प्लस है तो एक और माइनस होगा, यहां फिर से एक प्लस तो यहां फिर से एक माइनस, फिर से एक प्लस और फिर से एक माइनस। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, बात इसमें क्या क्या हुआ कि सबसे पहले बताइए आवेशित करने के लिए किससे जोड़ेंगे सर? बैटरी से। ये बात क्लियर है कि हम लोग संधारित्र को आवेशित करने के लिए जोड़ते किससे हैं? बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। एक बात क्लियर है? अब आइए, जब बैटरी से जोड़ते हैं तब क्या होता है? तो जैसे ही आप बैटरी से जोड़िएगा तो दोनों वाला प्लेट पे समान आवेश, जितना आवेश इस पे, अगर एकरा पर एक दो तीन चार पांच छह सात, अगर इस पे सात आया है तो इस पे भी एक दो तीन चार पांच छह सात, इस पे भी सात ही आवेश रहेगा। दोनों पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक पर प्लस रहेगा सर तो दूसरा पर आपको माइनस में आवेश आएगा। मतलब ध्यान रखिएगा, जब इसको सेल से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के पश्चात दोनों प्लेटों पर समान आवेश उत्पन्न होता है, किंतु उसका प्रकृति विपरीत होता है। प्रकृति विपरीत कहने का मतलब कि अगर इस पे चार्ज क्यों है तो इस पे भी क्यों ही रहेगा, लेकिन एक पर प्लस में क्यों रहेगा तो प्रकृति इसका उल्टा रहेगा। एक पर प्लस में तो दूसरा पर माइनस में, तो एक पर प्लस क्यों तो दूसरा पर माइनस क्यों हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? ये बताइए, पूछा जाए आवेशित करने के लिए क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ने के चौथा पॉइंट है, पांचवा में, बैटरी से जोड़ने पर दोनों जो प्लेट है सर, दोनों प्लेट पर समान आवेश आएगा, समान आवेश आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका प्राकृतिक जो होगा ये विपरीत आपका हो जाएगा, इसका नेचर विपरीत रहेगा। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? पॉइंट यहाँ, पॉइंट वाइज यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट में क्या क्या है। संधारित्र का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ऊर्जा संचित करने के लिए। अच्छा ये बताइए, अगला, संधारित्र में कितना प्लेट है? दो प्लेट होता है। यदि किसी संधारित्र में केवल एक प्लेट हो तो दूसरा कहाँ मान लेते हैं? अनंत पर। अगला ये, अच्छा ये बताइए, संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बैटरी से जोड़ते हैं, उसको सेल से कनेक्ट कर देते हैं, इसको बैटरी से जोड़ा जाता है। ये बताइए, जब बैटरी से जोड़ देते हैं, सेल से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों प्लेटों पर आवेश समान होता है, किंतु उसका प्रकृति विपरीत हो जाएगा, या जिसे यहां पर आपको बताया है कि किस प्रकार से समान आवेश होता है, प्रकृति विपरीत रहेगा। चलिए यहां पर क्लियर है? अब ये बताइए पांचवा पॉइंट हुआ कि दोनों पर है ना आवेश समान रहेगा लेकिन प्रकृति विपरीत रहेगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि संधारित्र पर आवेश बताइए, और मतलब संधारित्र पर कितना आवेश होता है ये बताइए, कुल आवेश आपको चाहिए। यहाँ एक संधारित्र ले लीजिए, एक संधारित्र है, तो ये बताइए अगर इस पर कुछ है प्लस में, है ना, अगर संधारित्र आप यहां पर लेते हैं, ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसको बना रहे हैं। यहां एक संधारित्र पहले बना लेते हैं, लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। अब जब संधारित्र रहेगा तो दोनों पर समान, इस पे प्लस में क्यों आवेश है तो आपको पता है कि यहां पर माइनस क्यों होगा ही होगा। एक पर प्लस में चार्ज होता है, दूसरा पर माइनस में चार्ज होता है, ठीक है। ये कहा जाए कि संधारित्र पर कुल आवेश बताइए, कुल आवेश, कुल आवेश कितना रहेगा जो आपको बताना है। ये बताइए कुल आवेश के लिए यहां प्लस में क्यों है और यहां पर माइनस में क्यों है, तो बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब ये बताइए, पूछा जाए कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना, जीरो, चूंकि यहां जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो प्लस माइनस दोनों कट के आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए सर कि संधारित्र पर
कुल आवेश कितना होगा तो क्या कह देंगे, जीरो होगा, है ना। प्लस और माइनस यहां दोनों आपस में कट कर जीरो आ जाएगा, तो कुल आवेश का मान जीरो है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं संधारित्र पर आवेश बताइए, तो संधारित्र पर आवेश बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए यहां प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, तो संधारित्र पर अगर आवेश आपसे कहा जाए कुल आवेश का मान जीरो हो गया है, है ना। यहां पर कहा जाए कि कुल आवेश बताइए, संधारित्र पर कुल आवेश कितना आ रहा, तो कुल आवेश जो है आपका जीरो है, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन संधारित्र पर आवेश कहा जाए तो यहां पर ना प्लस देखिए ना यहां पर माइनस देखिए, प्लस माइनस को हटाइए और सिंपली यहां पर कितना बचा है, तो इस पर भी क्यू बचा है, इस पर भी क्यू बचा है, तो केवल संधारित्र पर आवेश कहा जाए, चार्ज ऑन कैपेसिटर कहा जाए, तो केवल क्यू देख लेना है, ना यहां पर आपको प्लस देखना है और ना ही यहां पर आपको माइनस देखना है। दोनों आपका काम खत्म हो गया, जो बचा केवल दोनों में से जो आपको योग अच्छा लग रहा है, दोनों पर तो क्यू ही है, तो यहां पर दोनों पर जब क्यू है तो यहां प्लस माइनस हटा दीजिए और उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर बताइए टोटल बात क्लियर हो गया, पांच या छह पॉइंट यहां तक हो गया है। इतना पहले बात आपको ध्यान रखना, संधारित्र का प्रयोग क्यों करते हैं, ऊर्जा संचित करने के लिए। संधारित्र में कितना प्लेट है, दो प्लेट है। यदि किसी संधारित्र में केवल एक ही प्लेट दिया है तो दूसरा प्लेट कहां रहेगा, सर अनंत पर। संधारित्र को आवेशित करने के लिए उसको बैटरी से जोड़ते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ने के पश्चात दोनों दोनों प्लेट पर, संधारित्र के दोनों प्लेट पर समान आवेश उत्पन्न होगा, किंतु प्रकृति विपरीत रहेगा। आवेश समान, जितना प्लस से निकलेगा आवेश उतना ही माइनस से निकलेगा, तो आवेश समान किंतु प्रकृति विपरीत रहेगा। संधारित्र पर अगर कभी आपको कुल आवेश कहा जाए, कुल आवेश टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो कुल आवेश आपका प्लस और माइनस करके जीरो हो जाएगा। लेकिन संधारित्र पर केवल आवेश कहा जाए तो क्यू लिख देना है, जितना रहेगा प्लस माइनस हटाइए, यहां से प्लस हटा देना, यहां से माइनस हटाइए, इसको लिख देना। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन पॉइंट और है, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नोट पॉइंट करके तेजी में लिखते जाइए, तो पहला दूसरा तीसरा करके नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखिए, नोट कीजिए और पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए संधारित्र का प्रयोग ऊर्जा संचित करने के लिए किया जाता है, संधारित्र का प्रयोग ऊर्जा संचित करने के लिए किया जाता है। आज उपयोग पढ़ावेंगे इसका, तो दो तीन और बताएंगे, लेकिन अभी केवल ध्यान रखिए जो डिफिनेशन पढ़े उसके अनुसार संधारित्र का उपयोग ऊर्जा संचित करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संचित करने के लिए किया जाता है। चलिए तेजी पूर्वक लिखते जाना है। सेकंड लिखिए, किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, सेकंड लिखिए, किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि किसी संधारित्र में केवल एक प्लेट हो, यदि किसी संधारित्र में केवल एक प्लेट हो, यदि किसी संधारित्र में केवल एक प्लेट हो, तो दूसरा प्लेट अनंत पर माना जाता है, तो दूसरा प्लेट अनंत पर माना जाता है, तो दूसरा प्लेट अनंत पर माना जाता है, अनंत पर माना जाता है। चलिए तीन पॉइंट हो गया, चौथा में लिखिए, चौथा लिखिए, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए उसे बैटरी से जोड़ते हैं, उसे बैटरी से जोड़ते हैं, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए उसे बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, हो गया चौथा पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, जिससे कुछ आइडिया आपको रहेगा। चलिए बताइए इसको जोड़े हैं किसी से, सर बैटरी से, तो बैटरी से जोड़ना है, यहां देख लीजिए एक ये है, यहां पर ये दूसरा आपका हो गया है, और ये बताइए यहां पर बैटरी से जोड़ना है ना, तो इसको क्या कीजिए, इस तरह से इसको एक बैटरी एक सेल से जोड़ देते हैं। नीचे आपका सेल बना है, संधारित्र में दोनों प्लेट बराबर लिखे हैं, दोनों बराबर है, लेकिन बैटरी में बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस। यहां से अगर चार्ज निकलेगा प्लस क्यू, तो यहां पर चार्ज जाएगा, यहां से अगर प्लस में निकलेगा तो इधर से माइनस में, चार्ज को आवेश को क्यू से शिफ्ट करते हैं, कि प्लस क्यू चार्ज इस पे चल जाएगा, ठीक है। यहां पर इस तरह से माइनस में चार्ज आया है,
चलिए इस पे प्लस में क्यू चार्ज है और यहां पर माइनस में क्यू चार्ज है, इसको नोट कर लीजिए। संधारित्र को आवेशित करने के लिए उसे बैटरी उसके सेल से जोड़ते हैं और जब हो जाए इसके बाद इस फिगर को नोट कीजिए। यहां पर ये आपका सेल है, ऊपर वाला संधारित्र है। जल्दी कीजिए, हो गया यहां तक। संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ते हैं। ये आपका हो जाएगा सर यहां पर बैटरी, ये आपका सेल है, इसको बैटरी आप लिख दीजिए, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। आपका बैटरी हो गया या सेल हो गया, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, बैटरी से जोड़ने के पश्चात, सेल से जोड़ने के पश्चात दोनों प्लेटों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। आपको पता है कि एक ऊपर प्लस जाएगा क्यों तो दूसरा पर माइनस रहेगा। तब पांचवा पॉइंट में लिखिए, देखिए सेल या बैटरी जो लिखा है आप लिखिए, बैटरी से जोड़ने के पश्चात या सेल से जोड़ने के पश्चात, सेल से जोड़ने के पश्चात संधारित्रों पर समान, दोनों संधारित्रों पर समान समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है, समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। बैटरी से जोड़ने के पश्चात दोनों संधारित्रों पर समान किंतु दोनों प्लेटों पर, दोनों संधारित्र नहीं सॉरी दोनों प्लेटों पर, एक प्लेट दूसरा प्लेट, दोनों प्लेटों पर, दोनों प्लेटों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए तो पांचवा हो गया। छठा पॉइंट में देखिए क्या आपको लिखना है, जो छठा पॉइंट रहेगा ये लिख देंगे, संधारित्र पर कुल आवेश, आप ऐसे लिखिए संधारित्र पर कुल आवेश बराबर संधारित्र पर कुल आवेश। चलिए आपको बताना है कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना रहेगा, तो ये बताइए कुल आवेश अगर आपको चाहिए ना, तो यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, तो कुल आवेश के लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू कर देना है, ठीक है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू की जाता दोनों बराबर है, कट के जीरो आ जाएगा, जीरो कूलम। तो बताइए संधारित्र पर कुल आवेश बराबर कितना आ गया, जीरो कूलम, इसको लिख लीजिए, संधारित्र पर कुल आवेश बराबर जीरो कूलम, संधारित्र पर कुल आवेश बराबर हो गया जीरो कूलम। संधारित्र पर कुल आवेश बराबर हो गया है जीरो कूलम, ठीक है। चलिए छठा के बाद अब यहां सातवां पॉइंट में आपको लिखना है, सात नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखना है। बताइए तो संधारित्र पर कुल आवेश हो गया, लेकिन संधारित्र पर आवेश कहा जाए तब कितना, तो यहां प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं है, प्लस हट जाएगा माइनस हट जाएगा और केवल क्यू हो जाएगा। तो अगला पॉइंट में लिखिए संधारित्र पर आवेश कुल आवेश जीरो है लेकिन संधारित्र पर आवेश लिखिए बराबर क्यू, संधारित्र पर आवेश बराबर करके लिख देना है बराबर क्यू, संधारित्र पर आवेश बराबर में लिखिए क्यू, ठीक है, संधारित्र पर आवेश बराबर लिख दीजिए क्यू। यहां तक में दिक्कत नहीं है, चलिए अब यहां तक में अगर दिक्कत नहीं है, सात पॉइंट हो गया है, एक दो पॉइंट और है उसको समझिए। पहले सबसे पहला चीज देखिए, जैसे यदि आप सूचित करना चाहते हैं संधारित्र को चित्र में, आप टेंथ क्लास में पढ़े होंगे क्या, टेंथ क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है प्रतिरोध, तो याद होगा आप लोगों के प्रतिरोध को जब सूचित करते थे तो इस तरह से सूचित करते हैं प्रतिरोध को, आपको पता होगा कि चित्र में यदि प्रतिरोध दर्शाना हो तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। इलेवेंथ में आप लोग का स्प्रिंग पढ़ावल गया है, तो स्प्रिंग को इस तरह से सूचित कीजिए, लीजिए आपका ये स्प्रिंग हो गया, ये प्रतिरोध है। तो उसी प्रकार से यदि आपको दर्शाना हो संधारित्र को, तो चित्र में संधारित्र को इस प्रकार से एक यहां पर लाइन, एक यहां पर लाइन और इधर इस तरह सब कर दी, ये आपका संधारित्र बन गया, देख लीजिए संधारित्र को सूचित करना है इस प्रकार के से। पूछा जाए कि ये क्या लिखा हो गया है, तो कह देंगे संधारित्र है ना, ये आपका संधारित्र है, कैपेसिटर हो गया है, तो कैपेसिटर को सूचित करना हो तो इस प्रकार से हम सूचित करते हैं। ये बात क्लियर है, पहला चीज। सेकेंड चीज यहां पर क्या है जो देख लीजिए, अगर इस तरह से संधारित्र यहां पर हो गया है, लेकिन इसमें यदि इस तरह से कोई एरो वाला चिन्ह दे,
है ना, मतलब तीर का निशान देते हैं, तो ये भी आपका संधारित्र ही है सर। लेकिन अंतर यहां पर ये हो जाता है कि जब तीर का निशान देते हैं तो ये परिवर्तनशील हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील संधारित्र। परिवर्तनशील संधारित्र, संधारित्र ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, भी संधारित्र ही है। लेकिन यहां जब तीर का निशान दीजिएगा तो आपको परिवर्तनशील हो जाएगा। देखिए ये क्या है, स्प्रिंग, लेकिन ये परिवर्तनशील स्प्रिंग हो गया। ये क्या है, प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध हो गया। ये संधारित्र है लेकिन इसी में अगर तीर का निशान दे दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिवर्तनशील संधारित्र इसका नाम देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। परिवर्तनशील, आप लोग कभी कभी एक चित्र ऐसा देखते होंगे, इस तरह से बना हुआ कोई चित्र आप इस तरह से देखते होंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से बना हुआ कोई आपको दिया तब तो ठीक ठाक है, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से आपको दे दिया बना के, इसमें आपको दिक्कत है। यहाँ बार बार देखिए ना, ये आपका परिवर्तनशील है, आज किसी और के पास के लिए चल जाएगा ना, कल किसी और, परसों किसी और, आप समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो है, अगर तीर का निशान आ गया है मतलब ये चीजें परिवर्तित तो हो रहा है, ठीक है ना, किसी और के लिए, फिर किसी और के लिए, फिर किसी और के लिए, तो तीर का निशान है ना यहाँ पर, आप समझिएगा। तीर का निशान अगर नहीं है तब ठीक ठाक है, लेकिन अगर मिला आपको है और फोटो में अगर तीर का निशान है, समझिए उसमें प्रॉब्लम है, परिवर्तनशील है, ठीक है। तो यहां पर बताइए संधारित्र जो होता है सर, संधारित्र में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो संधारित्र को सूचित इस तरह से हम लोग कर देंगे, लेकिन यहां पर देख लीजिए अगर कहीं तीर का निशान इसमें आ गया तो परिवर्तनशील संधारित्र हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लिखिए, तो सात पॉइंट हो गया, आठवां पॉइंट में इसको लिख लीजिए, जो आठवां पॉइंट है वहां पर लिखिए संधारित्र को और ये वाला फिगर बना लीजिए, से सूचित करते हैं देश, यहां लिखा गया है, इसको बनाइए, संधारित्र को देश, इसको लिख लीजिए, से सूचित करते हैं, संधारित्र को देश से सूचित करते हैं, वहां फोटो को बना लेना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नौ नंबर पॉइंट है, लिखिए परिवर्तनशील संधारित्र को यहां देखिए, यहां पर है देश से सूचित करते हैं, इसको लिख लीजिए, परिवर्तनशील संधारित्र को इससे सूचित करते हैं, यहां पर लिखा गया है संधारित्र को देश से सूचित करते हैं, ये आपका हो गया परिवर्तनशील संधारित्र को इससे सूचित करते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा था इसको लाइक कर देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाला है 2022 में, सबको कहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग को एग्जाम चल रहा होगा, सेंटर का एग्जाम है, तो आप आराम से स्कूल में एग्जाम दीजिए और यूट्यूब पर आपका क्लास चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तब इसको रखने देते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्लास है हम लोग ये पढ़ेंगे कि ठीक है संधारित्र में ऊर्जा तो संचित होता है, लेकिन कितना ऊर्जा संचित होगा, है ना, ऊर्जा संचित करने की क्षमता इसके पास क्या रहेगा, ठीक है। तो आज क्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए इसको कंप्लीट कीजिए और बार बार इसको रिपीट करते रहिए।